एक शहर में दो बारबर मतलब दो नाई हैं। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड बहुत सही लग रहे हैं और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट हैं मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर एकदम बिखरे हुए हैं मतलब बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट हैं मतलब बी अच्छे हेयर काटता है, और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। चलिए अगला रिडल देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं पेप्सी का कौन सा लोगो सही है, ए या बी? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है बी। चलिए अगला रिडल देखते हैं। एक प्लेन क्रैश हो जाता है, प्लेन में दो पायलट्स रहते हैं, दोनों पैराशूट लेकर कूद जाते हैं, दोनों पैराशूट को खोलने का ट्राई करते हैं लेकिन उनका पैराशूट ओपन नहीं होता है, दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, एक पायलट हेस्टैक के ऊपर गिरता है मतलब सूखी घास, और दूसरा पायलट पानी के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन बचेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए, स्टैक वाला पायलट बच जाएगा। फ्री फॉल में पानी सीमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार पड़ेगा कि कोई बच नहीं पाएगा, और सूखी घास पर इंसान आराम से बच जाएगा। चलिए अगला रिडल देखते हैं। एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है, प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड करता है। वो एक पैसों से भरा बैग और दो पैराशूट मांगता है। जैसे ही उसे नीचे रेगिस्तान दिखता है, वो पैसों का भरा बैग और पैराशूट लेकर कूद जाता है। जब उसे एक पैराशूट की जरूरत थी तो उसने दो क्यों मांगा? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेररिस्ट चाहता था कि एयर होस्टेज को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेज बना के ले जाने वाला है, इससे एयर होस्टेज उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से भाग जाएगा।